नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पेमेंट रिलीज हो चुका है बैंक अकाउंट में और अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो इसका क्या कारण है, किस वजह से आपके बैंक अकाउंट में अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, आखिर आप क्या गलती कर रहे हैं, आखिर आपको क्या करना चाहिए जब आपका पैसा 21 तारीख को एडसेंस रिलीज कर दे और उसके बाद भी आपके अकाउंट में नहीं आए तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आज इसके बारे में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर आप नए हो, अगर आपको शॉर्ट पर नहीं मिला है तो भी ये वीडियो जरूर देखना, क्या पता आगे आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, नए क्रिएटर, उनको पहली बार शॉर्ट पर मिलता है, यानी कि 11 तारीख को शॉर्ट पर मिला, उसके अगले महीने की 21 तारीख को उनको मेल आता है एडसिन की तरफ से कि आपका पेमेंट रिलीज कर दिया गया है, 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों कि 21 तारीख को उनको मेल आता है, 22 तारीख निकल जाती है, 23 तारीख भी निकल जाती है, 24, 25, 26 तारीख तक निकल जाती है, फिर भी उनकी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है। आखिर क्या कारण है, आखिर किस वजह से उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, उनके कुछ कारण है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप क्या क्या गलती करते हो, आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने भी गलती की थी जो कि मुझे एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या क्या गलती की और मैंने क्या क्या किया, उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बैंक गलत होती है, बैंक हमको जो स्टेट बैंक है वही रखनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा हो उस टाइप की आप बैंक रख सकते हो, अगर आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है इंडियन ओवरसीज रख सकते हो, IDFC बैंक रख सकते हो, स्टेट भारतीय स्टेट बैंक रख सकते हो, बहुत सारी बैंक है, हजार मतलब कि 400-500 बैंक है, आप जिस तरह की बैंक है आपका अकाउंट वो रख सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होगा कि आपकी जो बैंक है, जैसे कि मान लो एक गांव में रहते हो आप और आपकी गांव की जो बैंक है उसकी एक हेड ब्रांच होती है, बड़ी बैंक होती है, तो उसका स्विफ्ट कोड होता है। जैसा कि मैं एक गांव में रहता हूँ, मेरी बैंक है और मेरी बैंक है ना, इसका एक स्विफ्ट कोड होता है, इसका नहीं होता, इसकी जो ब्रांच है, जो बड़ी ब्रांच है, जो बड़ी बैंक है, जो लेनदेन करती है इन छोटी बैंकों से, उसका एक स्विफ्ट कोड होता है। तो वो स्विफ्ट कोड आपको सही डालना होगा, अगर आप गलत डालते हो तो उसकी वजह से आपके पैसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि स्विफ्ट कोड हम सर्च कहाँ से करें, तो स्विफ्ट कोड आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल पे लिख सकते हो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक मध्य प्रदेश स्विफ्ट कोड, तो वहाँ पर आपको बैंक का स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, आप वहाँ के जो स्विफ्ट कोड है वो डाल सकते हो, या फिर आप अपनी बैंक में जाकर वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो। लेकिन बैंक में जाओगे तो बैंक वाले ये बोलेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, IFC कोड होता है, स्विफ्ट कोड के बारे में हमको नहीं पता है। तो आपको क्या करना होगा, गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करके स्विफ्ट कोड लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, स्विफ्ट कोड आपने सही डाल दिया, उसके बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, 26 तारीख को आपको जाना है बैंक में। बैंक में जाने के बाद मैनेजर से बोलना है कि मैंने YouTube की तरफ से मेरा पेमेंट रिलीज हुआ है, वो अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन लिखने की बोलेंगे, आप एप्लीकेशन लिख देना, और जो आपकी जो लिस्ट होती है, पर्ची होती है, एडसेंस में जाकर देखना, वहाँ पर आपको जो पूरी स्लिप होती है वो स्लिप आपको वैसी फोटोकॉपी करा लेनी है, या फिर आप वैसी कागज़ पर लिख देना है, जो भी आपका कोड है, नंबर हो, सारा कुछ डिटेल लिख देनी है, और उसके बाद आपको बैंक मैनेजर को दे देनी है। तो बैंक मैनेजर क्या करेगा कि उस पर्ची को लेकर मेल करेगा, जो उसकी हेड ब्रांच है वहाँ पर मेल करेगा, उसके बाद जो आपका पैसा है वो आ जाएगा। अगर तब भी पैसा नहीं आता है तो एक और लास्ट गलती है, वो गलती आप कभी भी मत करना। गलती है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं रखते हैं, 2-3 रुपए रखते हैं, कभी कभी 100-200 रुपए रखते हैं, उसकी वजह से वे आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। ऐसा ही सिलसिला मेरे साथ भी हुआ, इस महीने में मेरी रेगुलर पेमेंट आ रही थी, लेकिन मैंने क्या किया कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए पड़े थे, और यार मैं टेंशन में आ गया कि मेरा पैसा अभी तक नहीं आया, आखिर क्या कारण है। तो फिर मैंने क्या किया, उस अकाउंट में 2000 रुपये डलवाए, और 2000 रुपये जैसे डलवाए, मतलब सुबह के टाइम में डलवा दिए, और शाम तक मेरे जो पेमेंट थी वो मेरे खाते में आ गई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि स्विफ्ट कोड सही डालना है, बैंक मैनेजर से बात करनी है, बैंक मैनेजर से बात करने के बाद भी पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। तो ये जो 2-3 हज़ार रुपये तो होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये बात आपको बहुत समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में,